हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो में बात करने वाले निम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो यहाँ पर जो है निम्स ने 2021 से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकाल दी है नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी, अलोंग विद दैट पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सभी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स इनके बारे में बात करने वाले हैं, कितनी क्या यहाँ पर सैलरी रहने वाले, कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो, कितनी पोस्ट पर यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकली है, कितनी यहाँ पर, सब कुछ तो तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना होगा सभी डिटेल्स पाने के लिए। जो डिटेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो है तुम्हें अप्लाई कर सकते हो डिटेल्स को पाने के बाद। अगर तुम्हें नहीं अप्लाई करना है तो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिटेल्स तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें पता लगेगा कितनी यहाँ पर पे किया जाता है पर्टिकुलर पोस्ट पे, अलोंग विद दैट तुम्हें यहाँ पर पता लगेगा कितने नंबर ऑफ सीट यहाँ पर निकलती है, तुम्हें पता लगेगा यहाँ सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो निम्स ने नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट निकाल दी है 2021 की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निम्स ने अनाउंस कर दिया है लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन फॉर द 275 पोस्ट फॉर द वेरियस रिक्रूटमेंट, लाइक नर्सिंग ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, टीचर फॉर MR चिल्ड्रंस एंड वेरियस अदर पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक यहाँ पर क्या हुआ होना चाहिए, अलोंग विद दैट अदर रिलेवेंट कोर्सेज के लिए MCA एंड कुछ और अदर कोर्सेज यहाँ पर किए हुए होने चाहिए, तभी यहाँ पर जो है इसको तुम फिल कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कितनी वैकेंसी है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या यहाँ पर पोस्ट निकली। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डाइटिशियन, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है, न्यूरोमस्कुलर एंड टीचर फॉर द MR चिल्ड्रन, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं 275 टोटल पोस्ट पर जो है इनको लिया जाएगा। एज लिमिट 25 से 45 ईयर की यहाँ पर रहने वाली, इतनी एज से इतने एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, 27 मई को, एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है 28 जून तक रहने वाली है। 28 जून तक ऑफलाइन मोड से तुम लोग अप्लाई कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो। तो जो लोकेशन यहाँ पर बेंगलोर में होने वाली है, एंड सेलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है, जिस बेसिस पर यहाँ पर जॉब दी जाएगी वो है रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर ही यहाँ पर सेलेक्शन होने वाला है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है nims.ac.in, nims.ac.in पर जाकर तुम कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब यहाँ पर क्या लाइक डेट रहने वाली है। तो स्टार्टिंग डेट जैसे कि मैंने बताया 28 मई है, 28 मई थी, एंड लास्ट डेट जो 28 जून है, इस तक तुम अप्लाई कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड जो अनाउंस होगा उसकी डेट है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंड जो रिटर्न एग्ज़ाम रहने वाला है वो जुलाई में ही रहने वाला, बट इसके रिगार्डिंग अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, रिजल्ट जुलाई अगस्त में यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह से जुड़ी बातें, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए GNM होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए, MSc नर्सिंग होना चाहिए, एंड यहाँ पर जो है पोस्ट रखी गई 266, टोटल 266 पोस्ट पर यहाँ पर जॉब दी जाएगी। इतनी पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकली है। तो इन जितने भी पोस्ट मैं तुम्हें बताऊँगी उन सभी में से तुम्हें देखने के लिए मिलेगा
देखिएगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वैकेंसी निकलती है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही निकलती है, चाहे फिर कंपेयर करें हम लाइक MBBS के साथ, पैरामेडिकल के साथ, किसी के साथ भी हम कंपेरिजन कर ले, बट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहती है हमेशा ही ज़्यादा रहती हैं, बिकॉज नर्सेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंक्रीज़ होती जाती है एंड अभी भी डिमांड में है। तो बात कर लेते हैं अदर पोस्ट के बारे में। तो टीचर फॉर द MR चिल्ड्रंस के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। असिस्टेंट डायटिशियन के लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 रखी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी गई। स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 रखी गई। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है। तो तुम देख सकते हो टोटल 275 पोस्ट में से 266 पोस्ट टोटल नर्सिंग ऑफिसर की थी। तो तुम देख सकते हो कि 90% वैकेंसी जो है हमें सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की ही यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो इसके लिए अगर तुम नर्सिंग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज यहाँ पर जो है इन फ्यूचर भी रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती ही चली जाएगी और ऐसे ही यहाँ पर जो है जो मिलने वाली वैकेंसी काफ़ी निकलने वाली है। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। तो चलो बात कर लेते हैं कितनी यहाँ पर सैलरी मिलने वाली, किसको कितना यहाँ पर पे किया जाएगा NIMS के द्वारा, NIMS के थ्रू। तो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी यहाँ पर 44,000 यहाँ पर रहने वाली है। बेसिक पे स्केल के बारे में हम बात कर रहे हैं। MR चिल्ड्रन के टीचर को 35,000 मिलने वाली, असिस्टेंट डाइटिशियन को 35 कुछ मिलने वाली है, सीनियर साइंटिफिक को 35 मिलने वाली है एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर न्यूरोमस्कुलर के लिए 67,000 पर मंथ यहाँ पर रखी गई। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 35 यहाँ पर रखी गई। स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 35 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। तो ये सॉरी नॉट वैकेंसी, यहाँ पर जो है इतनी सैलरी रखी गई है। तो ये टोटल हमने देख लिया सैलरी के बारे में कि कितनी यहाँ पर जो सैलरी है NIMS जो है देने वाला है, जो वेरियस पोस्ट निकली है NIMS में 2021 रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो ये कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कस कर लिया। तो एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो 21 से 40 ईयर की एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली। सिर्फ इसी एज ग्रुप के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है NIMS के लिए, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट NIMS.ac.in पर जो है तुम्हें जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जाने के लिए तुम कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स को, नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हो, अलोंग विद दैट जो है तुम्हें फिल कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म को एंड सेंड कर देनी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू डायरेक्टर ऑफ NIMS, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो हम जो है एड्रेस देख सकते हो, 28 जून से पहले तुम्हें कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया, सब कुछ हमने जान लिया, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। आई थॉट वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे ही लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।